प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे एट एन एंगल ऑफ थीटा. अब इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओ ये तो आता है आपको, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल ऑफ थीटा. कहेगा मैक्सिमम हाइट प्रूव करो क्या होती है, आपको इसमें क्या है, ये तो करवाई हुई है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. और टीचर देखती काटा मार देगा बिल्कुल से देखते ही, क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा. वो क्वेश्चन में ट्रिक खेलेगा विद वर्टिकल, और हमने सारी डेरिवेशन की विद हॉरिजॉन्टल. अब सब कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि वर्टिकल के साथ अगर एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा है. तो इसमें जब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g है, 2g नहीं आएगा यहां पे, 2b आएगा यार, गलत फॉर्मूला है, या 2g करो, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, लेकिन यहां पर थीटा की जगह रिप्लेस कर दे क्या 90 माइनस थीटा. तो देखें तो मैक्सिमम हाइट वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक. रेंज का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा बाय जी. क्यों? क्योंकि रेंज का वैसे फॉर्मूला होता है 2 साइन वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, पर थीटा की जगह यहां पर क्या आएगा 90 माइनस थीटा. 2 इंटू 90 180 2 थीटा, साइन ऑफ 2 180 माइनस 2 थीटा. तो साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 2 थीटा. लेकिन एक बात अच्छी है, रेंज रिमेन सेम हमने किया था, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या तो थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा, रेंज सेम रहती है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है. नेक्स्ट है टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, वी साइन थीटा बाय जी, पर यहां पर वी इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय जी. साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा. सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे एक्सेप्ट रेंज. क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? अब जब स्कूल में आएगा मान लो प्रूफ करने को, और उसने चलाकी कर दी, उसने कहा जी एंगल तो जो है वर्टिकल के साथ थीटा है, तो क्या करोगे, डेरिवेशन तो करनी पड़ेगी, साइड डेरिवेशन तो चेंज नहीं कर सकते, पूरी शीट द्वारा लिखनी पड़ेगी. तो क्या करेंगे आप, ऐसे करोगे आप नोट लिखोगे कि लेट अस सपोज प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल, जैसे हम नॉर्मल करते हैं. मैक्सिमम हाइट प्रूव कर दोगे, फॉर्मूला गलत आ गया, फिर लिखोगे नोट अगेन, हेयर इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट थीटा एंगल इज विद वर्टिकल, सो रिप्लेस थीटा विद 90 माइनस थीटा. तो मैक्सिमम हाइट में ये एक्स्ट्रा स्टेप कर दोगे बस. ऐसी उसने अगर रेंज बोला तो रेंज में एक्स्ट्रा स्टेप कर देना, अगर टाइम बोला टाइम में एक्स्ट्रा स्टेप कर देना. समझ में आ रहा है, पूरे प्रूफ चेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया फिर तो सिर्फ फॉर्मूला चेंज है, बात ही खत्म, तब की तब देखेंगे. समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है? और ऑब्जेक्टिव के अंदर आ गया फिर तो दिक्कत ही कोई नहीं. पता है क्यों? अगर ये एंगल 60 है 30 तो अपन हॉरिजॉन्टल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल थीटा 30 करके, बात ही खत्म. न्यूमेरिकल में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, थ्योरी प्रूफ में बता रहा हूं. क्लियर है यहां तक?